नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल एजुकेशन MK पर। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ यूपी, तो KGMU लखनऊ यूपी के रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। तो अगर आप BSc नर्सिंग में चाहे आप BSc पैरामेडिकल कोर्सेज में या बाकी किसी भी कोर्स में KGMU के अंडर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कम्प्लीट ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए और आपको यूट्यूब पे कहीं भी सोशल मीडिया पे आपको ये जानकारी नहीं मिलेगी। आप यूट्यूब पे तो सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पे, अगर आपको इसके रिगार्डिंग इसके रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा, उस वीडियो का लिंक भी हमें ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या न्यूज़ है। तो न्यूज़ दोस्तों ये है कि आपका BSc पैरामेडिकल कोर्सेज का KGMU लखनऊ का एंट्रेंस एग्ज़ाम ही हो चुका है। BSc नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म आपके अभी तक नहीं आए, लेकिन BSc पैरामेडिकल कोर्सेज का आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुआ था 20 अगस्त को। 20 अगस्त को आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुआ, फिर आपकी 30 सितंबर थी, 30 सितंबर आपकी लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की, 10 अक्टूबर को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम था BSc पैरामेडिकल कोर्सेज का। लेकिन KGMU की जो वेबसाइट है, KGMU की जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव है, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन आपको ना आपकी इन्फॉर्मेशन वो नोटिफिकेशन सेक्शन जो आपको ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जो आपका ये इस पे कोई भी न्यूज़ उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं दी इसके रिगार्डिंग की एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। उसी टाइम आपके बाकी कोर्सेज के भी रिलीज़ हुए थे, लेकिन उसका भी कोई भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने नहीं दी। यहाँ पे हमने भी चेक किया था, डेली विजिट कर रहे थे हम भी, लेकिन यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने नहीं दी। उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी दोस्तों यहाँ पे, उन्होंने दोस्तों यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी ना कोई एडमिशन सेक्शन में उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी थी इसके रिगार्डिंग भी ये आपके रिलीज हो चुके हैं डिप्लोमा या कौन से भी कोर्सेज, यहाँ पे भी नहीं दी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी। देखिए दोस्तों आप कहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का सेक्शन बना रखा है, इसमें करियर का ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये करियर का ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक करेंगे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दिखेगा, फिर आप इसमें नीचे जाएंगे ना तब आपको इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तब इसमें आप देखेंगे अगर आप 20 अगस्त का नोटिफिकेशन, तो ये देखिए 20 अगस्त का नोटिफिकेशन आया हुआ, BSc ऑप्टोमेट्री एंट्रेंस एग्ज़ाम 4 ईयर्स कोर्स का रिजल्ट आज रिलीज हो चुका है। तो आज इसका रिजल्ट भी आ चुका है आपका BSc ऑप्टोमेट्री कोर्स का, जो आपका किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। BSc रेडियोथेरेपी 3 ईयर्स कोर्स है आपका, इसका भी लास्ट डेट 30 सितंबर थी और इसका भी रिजल्ट आपका आ चुका है, आज रिलीज हो चुका है आपका रिजल्ट BSc पैरामेडिकल कोर्सेज का। और MSc नर्सिंग का भी रिजल्ट है वो आ चुका है। BSc नर्सिंग का दोस्तों आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट है, एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है, वो नहीं आई है, वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ, वो आप ये भी देख सकते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर BSc नर्सिंग डेट्स टू बी अनाउंस्ड शॉर्टली, ये इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे आ रही है। तो BSc नर्सिंग के तो एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन आपके जो BSc ऑप्टोमेट्री है, BSc रेडियोथेरेपी, जो आपके पैरामेडिकल कोर्सेज है, इनके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके थे आपके 20 अगस्त को। और आप सभी से हम माफ़ी मांगना चाहेंगे कि आपको हम ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए, और YouTube पे भी आपको कोई भी वीडियो इसके रिगार्डिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने इन्फॉर्मेशन वेबसाइट के नोटिस बोर्ड पर तो डाली नहीं, अलग ही एक सेक्शन करियर में जॉब अपॉर्चुनिटी के सेक्शन में आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी। तो ये हम कोई भी आपको यूट्यूब पे इसके रिगार्डिंग वीडियो नहीं बनाई, अगर आपने देखी है इसके रिगार्डिंग की एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया और वीडियो भी बनाई थी यूट्यूब पे किसी ने, तो हमने तो सर्च कर लिया, हमें कोई भी वीडियो इसके रिगार्डिंग नहीं मिली। अगर आपको मिलती है तो नीचे कमेंट में उस वीडियो का लिंक ज़रूर हमें दीजिएगा। तो आपकी आप सभी की हेल्प करने के लिए हमने ये यूट्यूब चैनल आपके लिए बनाया था, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कुछ यूनिवर्सिटी ने आपका ये शो नहीं किया, इस वजह से आपका ये एंट्रेंस टेस्ट है वो छूट गया BSc पैरामेडिकल का। लेकिन BSc नर्सिंग का जैसे भी जिस भी टाइम आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। हमने KGMU में पहले कॉन्टैक्ट भी किया था
वहाँ पे भी उनका कोई खास अच्छा रिप्लाई नहीं आया। हेल्पलाइन नंबर तो उनका बंद ही रहता है हमेशा ही, कोई भी उठाता नहीं है। लेकिन एक दूसरा नंबर दे रखा था, उस पर कॉल किया तो वो बोले कि हम सिर्फ OPD के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं, एडमिशन्स के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन उनके पास है। इंडिया के टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में आती है KGMU, लेकिन जो उनका एडमिशन्स के रिगार्डिंग जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो इस प्रकार से देखा जाए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ना उनका कोई रिस्पॉन्स आता है। हमने 3 से 4 बार उनको मेल किया इसके रिगार्डिंग कि फॉर्म्स आए हैं नहीं आए, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो हम तो KGMU से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, जो आपका स्टाफ है, जो एडमिशन का प्रोसीजर है, उसे थोड़ा सा अच्छा बनाइए, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट आपके एडमिशन से इस बार रह गए। बहुत सारे स्टूडेंट एस्पायरेंट्स थे आपके KGMU एडमिशन लेने के लिए, और बहुत सारे कमेंट्स आते थे आपके पिछली वीडियोज़ पे, लेकिन यूनिवर्सिटी ने कुछ इस प्रकार से ये नोटिस रिलीज किया कि बहुत ही कम स्टूडेंट, मान के चलिए 5 to 10% स्टूडेंट को ही ये इन्फॉर्मेशन मिली कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। बाकी 90% स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं चला, ऑलमोस्ट 90 to 95 यूट्यूबर्स को भी नहीं पता चला कि यूट्यूब पे बहुत सारे जो दोस्त हैं वो वीडियो बनाते हैं इसके रिगार्डिंग, BSc नर्सिंग पैरामेडिकल मेडिकल एंट्रेंस के जो एडमिशन्स होते हैं उसके रिगार्डिंग, लेकिन आपको कोई भी वीडियो इसके रिगार्डिंग नहीं मिलेगी यूट्यूब पे। तो हो सकता है कुछ फॉल्ट यूनिवर्सिटी का है, कुछ फॉल्ट आप सभी का, हम सभी का है कि हमने इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे अच्छे से चेक नहीं की। तो एक बार फिर से आप सभी से हम सॉरी मांगते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे पाए, लेकिन आगे आपके लिए इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन नहीं छूटेगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमारे चैनल पर। और कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सभी के लिए यही जानकारी थी, और अगर वीडियो अच्छी लगे, जानकारी आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और वीडियो अच्छी ना लगे तो वीडियो को आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपको पूरा अधिकार है, आपका पूरा राइट है, आप वीडियो को अच्छी ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो यही सब जानकारी थी आप सभी के लिए इस वीडियो में। BSc नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म आपके अभी तक नहीं आए हैं, वो जैसे भी आएंगे हम आपको अपडेट कर देंगे। अभी तक वेबसाइट पे हमने सारी इन्फॉर्मेशन देख ली है, कहीं भी कोई भी नोटिस वगैरह नहीं आया है। और जो आपका BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें अदर स्टेट के स्टूडेंट भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका BSc पैरामेडिकल कोर्सेज का जो ये प्रोस्पेक्टस दे रखा है आपको, इसमें भी जो प्रोस्पेक्टस उसमें भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि आपके कौन से ये देखिए, ये आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं, ये आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं KGMU के द्वारा। तो ये भी आप देख सकते हैं, आप ये एग्ज़ाम की लास्ट डेट आपकी 30 सितंबर थी। तो BSc रेडियोथेरेपी, BSc ऑप्टोमेट्री और MSc नर्सिंग के लिए आपकी लास्ट डेट 30 सितंबर थी। इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका जो पैरामेडिकल का था वो तो आपका 10 अक्टूबर को था। तो इस प्रकार से BSc नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म जब भी आएंगे सबसे पहले हम आपको अपडेट कर देंगे, और कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।